नमस्कार दोस्तों, जब पेशेंट्स पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में सोच रहे होते हैं तो उनके मन में हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं कि पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी। मैं डॉक्टर आशीष सबवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैंने इन सब क्वेश्चन के बारे में एक वीडियो सीरीज बनाने का सोचा है कि लाइफ आफ्टर इम्प्लांट सर्जरी कैसी होती है। इस सीरीज़ के हर वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी की लाइफ कितनी होती है, क्या पिनाइल इम्प्लांट्स कभी फेल भी करते हैं, और अगर पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी फेल कर जाए तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, और क्या हम पिनाइल इम्प्लांट निकलवा भी सकते हैं और निकलवाने के बाद दवाइयां लेके सेक्स कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब जानने के लिए आज मेरा ये वाला वीडियो देखिए। देखिए, जो पिनाइल इम्प्लांट्स होते हैं, स्पेशली जो मैलेबल इम्प्लांट्स होते हैं, ये देखिए मैलेबल पिनाइल इम्प्लांट है। इसके कम पार्ट्स होते हैं, सिर्फ दो पार्ट्स हैं, दो रॉड्स हैं जो पेनिस के अंदर लग जाएंगी। तो इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती। ये सेक्स के टाइम पे ऊपर करके सेक्स कर सकते हैं, और जब सेक्स कर लिया तो पेनिस को डाउन रख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे मल्टीपल पार्ट्स नहीं है कि जो ख़राब होंगे। तो अगर पिनाइल इम्प्लांट ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ये लाइफ टाइम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको 5 साल में या 10 साल में चेंज करना ही है, चाहे ठीक चले चाहे ना चले। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, जब तक ठीक चल रहा है पिनाइल इम्प्लांट को बॉडी में रख सकते हैं। हर पिनाइल इम्प्लांट की आउटर कवरिंग सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन जो है एक बायो कंपैटिबल मटेरियल है, मतलब कि ये बॉडी की टिश्यू से काफ़ी घुल मिल जाता है। ज़्यादा टाइम इम्प्लांट को बॉडी में रखने से ना कोई इन्फेक्शन होती है, ना कोई कैंसर का रिस्क है। कई पेशेंट्स मेरे को कहते हैं कि इतने टाइम के लिए मैलेबल इम्प्लांट पेनिस में रखेंगे तो उसे इरोजन का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इरोजन का रिस्क तभी बढ़ता है अगर इम्प्लांट के अंदर कोई इन्फेक्शन होए, या इम्प्लांट ठीक जगह प्लेस्ड ना होए, या ओवरसाइज इम्प्लांट होए, या इसके अलावा आप अपने इम्प्लांट का ठीक से ख्याल ना रखें। ठीक से ख्याल रखने का ये मतलब है, कई पेशेंट्स इम्प्लांट सर्जरी का सोचते हैं कि अब कुछ भी मैं कर सकता हूँ, और एक्सेसिव प्रोन मैस्टिबेशन करते हैं। तो प्रोन मैस्टिबेशन से इम्प्लांट में डैमेज होता है, पेनिस में डैमेज होता है। प्रोन मैस्टिबेशन का मतलब है कि कई लोग ज़मीन पे उल्टा लेट के अपने आप को मैस्टिबेट करते हैं, तो उससे आप पेनिस को ज़मीन से रगड़ते हो और उससे फिर स्टिमुलेशन होती है, उससे ऑर्गेजम होता है। तो आप खुद सोचिए, ये आपका हाथ है, ये एल्बो है, एल्बो की कोनी है, आप कोनी को दीवार से मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, क्या होएगा? कोनी में लाल लाल हो जाएगा। वो लाल क्यों होएगा? क्योंकि अंदर हार्ड बोन है और बाहर दीवार है। तो इन दोनों के बीच में जब रगड़ पड़ेगी, ज़्यादा रगड़ पड़ेगी, तो लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, वो पेन शुरू हो जाएगी एल्बो में, कोनी में। तो वैसे ही पेनिस में भी जब इम्प्लांट अंदर होए और बाहर आप ज़मीन से या दीवार से रगड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली ग्लांस टिश्यूज़ में इंजरी होएगी, उसमें पेन होएगी, उसमें रेडनेस होएगी, स्वेलिंग होएगी और डैमेज हो सकता है। तो आपको अपने इम्प्लांट का सर्जरी के बाद ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इम्प्लांट सिर्फ नॉर्मली सेक्स करने के लिए है। सेक्स आप जितना मर्जी करें, सेक्स जो है वो एक आप हॉलो कैनाल के अंदर आप इम्प्लांट को डाल रहे हो और सेक्स कर रहे हो, उससे कोई इंजरी नहीं होती। आप किसी भी पोजिशन में करिए, कैसे भी करिए, इम्प्लांट से सेक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप अननेचुरल प्रैक्टिसेस करोगे, ज़्यादा मैस्टिबेट करोगे ज़मीन पे लेट के, दीवार के अगेंस्ट या ज़मीन के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली पेनिस आपका डैमेज होएगा और इम्प्लांट बाहर आ सकता है। तो इरोजन की जो प्रॉब्लम होती है सिर्फ इम्प्लांट के रहने से नहीं होती, अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से होती है। अब अगर किसी भी कारण से इम्प्लांट फेल कर जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? इम्प्लांट फेल कर जाए मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको निकलवाना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में जब हम निकालते हैं तो एक नया इम्प्लांट आराम से डाल सकते हैं, रिवीजन इम्प्लांट सर्जरी करके नया इम्प्लांट डालते हैं। रिवीजन इम्प्लांट सर्जरी से डरने की कोई बात नहीं है, आपने एक बारी इम्प्लांट सर्जरी कराई हुई है, आपको सारा कुछ पता है। दूसरी बात, सेकेंड सर्जरी हमेशा पहली वाली सर्जरी से ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि कॉर्पोरा में ऑलरेडी जगह बनी हुई है, पुराने इम्प्लांट को निकाल के नया इम्प्लांट ठीक से प्लेस करना है। तो ये ज़्यादा सिंपलर सर्जरी है, रिकवरी जल्दी होती है, और पहली सर्जरी से हमेशा सेकेंड सर्जरी में पेन कम होती है। अब कई पेशेंट्स में से वो कहते हैं कि हम अभी इम्प्लांट करा लेते हैं और थोड़े सालों के बाद निकलवाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो इम्प्लांट सर्जरी आपकी लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी इरेक्शन हो रही है, दवाइयों से काम चल रहा है, तो फिर आपको इम्प्लांट सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लांट सर्जरी उसी को करानी चाहिए जिनको दवाइयों से और किसी ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा, और अब आपको सेक्स करने के लिए इम्प्लांट सर्जरी आवश्यक हो गई है। तो अगर आप उस स्टेज में हो कि लास्ट स्टेज में इम्प्लांट सर्जरी करा रहे हो, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बाद में, तो अगर आप इम्प्लांट निकलवाते हो तो आपको आगे सेक्स करने के लिए फिर से इम्प्लांट ही लगवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इम्प्लांट निकलवा के नॉर्मली सेक्स कर सकते हो, क्योंकि पहले भी आप सेक्स नहीं कर पा रहे थे और अभी भी आप सेक्स नहीं कर पाओगे,
लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पहले सेक्स कर पा रहे थे तो फिर आपको इम्प्लांट कराना ही नहीं चाहिए। अब कई पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत टाइम से इम्प्लांट सर्जरी कराई हुई है, काफ़ी सेक्स भी कर लिया है, अब वो इस एज में हो गए हैं, काफ़ी ओल्ड एज हो गए हैं, और वो कहते हैं कि हम अब सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, हम अपना इम्प्लांट निकलवाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हम इम्प्लांट आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि उनको आगे सेक्स ही नहीं करना। इम्प्लांट निकालने के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल की तरह लाइफ जी सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पेन नहीं होती है, यूरिन भी नॉर्मली ही आता है। तो अगर आप सेक्स आगे नहीं करना चाहते और आप इम्प्लांट निकलवाना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इम्प्लांट इजीली निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इम्प्लांट अपने मन की वजह से निकलवाना है लेकिन आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार इम्प्लांट निकलवा लोगे तो हो सकता है आप फिर से ठीक से सेक्स ना कर पाओ। तो इन शॉर्ट आपको ये मत नहीं सोचना चाहिए कि आपने एक बार इम्प्लांट करवा लिया तो बार बार करवाना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो लंबे टाइम के लिए चलता है, लाइफ टाइम भी चल सकता है इम्प्लांट। तो अगर आपको भी पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी का लाइफ कैसी होती है उसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप में से कोई पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराना चाहता है और आप उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।